नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज निचोड़। गुरुवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। शाजापुर की रैली में अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस की ना तो कोई नीति है और ना कोई नेता तय है। शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इटालियन चश्मा उतार कर विकास देखने को कहा। बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के जशपुर की चुनावी रैली में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में कभी विकास नहीं हुआ और छत्तीसगढ़ मेरा मन सरकार ने विकास के बहुत से काम कराए हैं। उन्होंने जनता से रमन सिंह सरकार को सत्ता में वापस लाने की अपील की। मध्य प्रदेश ने बीजेपी में बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने 64 बागी उम्मीदवारों को बाहर कर दिया है, जिनमें से 3 मंत्री भी शामिल हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 31 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 15 विधायकों समेत 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं। दिल्ली के वसंत कुंज में महिला फैशन डिजाइनर माला लखानी और उनके नौकर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी राहुल का लखानी से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के चलते ही टेलर राहुल ने अपने 2 साथियों के साथ इस हत्या को अंजाम दिया और अपने आप ही पुलिस स्टेशन में सरेंडर भी कर दिया। गुरुवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए hindi.firstpost.com के साथ।